बीते दिन अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक ट्वीट ने भारत में हड़कंप मचा दिया था कि भारत में जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बाद खासकर उद्योगपतियों में चिंता का माहौल नजर आया। और अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। हिंडनबर्ग ने एक बार फिर अडानी से जुड़े मामले पर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या है ये खुलासा, इस बार किस पर गिरी गाज, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हिंडनबर्ग ने एक बार फिर घोटाले के आरोप लगाए हैं। इस बार ये आरोप भारतीय बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर लगे हैं। हिंडनबर्ग ने दोनों पर अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी के आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि बुच और उनके पति की मॉरिशियस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है और इस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। हिंडनबर्ग का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया है, जिसके बाद सेबी समेत केंद्र सरकार भी कई आरोपों से घिर गई है। विपक्ष ने तत्काल इस मामले की जांच की मांग की है। बता दें कि हिंडनबर्ग ने अडानी पर शेल कंपनियों के जरिए शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए थे, जिस पर सेबी ने अपनी जाँच के बाद हिंडनबर्ग को हाल ही में कारण बताओ नोटिस जारी किया था और अब खुद सेबी ही घिर गई है। कांग्रेस ने इस घोटाले को अडानी मेगा स्कैम कहते हुए सेबी पर इसकी जांच करने से कतराने का आरोप लगाया है। तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए कहा कि असली अडानी शैली में सेबी अध्यक्ष भी उनके समूह में एक निवेशक है। मोइत्रा ने मांग की कि सीबीआई और ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करे। वहीं आरजेडी ने इस पर केंद्र सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया कि संसद सत्र को सरकार ने पहले ही समाप्त कर दिया, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने बीजेपी को बताया कि हिंडनबर्ग और भी अधिक खतरनाक सबूत और जानकारी लेकर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने तो निष्पक्ष जांच के लिए पीएम मोदी के इस्तीफे की ही मांग कर दी है। हालांकि सेबी प्रमुख ने सभी आरोपों से इनकार किया है, लेकिन अब ये मामला क्या मोड़ लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सेबी समेत मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।